यूपी के मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में यूपी पुलिस ने दक्षिण टोला थाना में मुकदमा दर्ज किया है। बसपा विधायक पर आईपीसी की संगीन धारा 419, 420, 457, 468, 471 व धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर चार लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने को किया था, जहां विधायक द्वारा संस्तुति किए गए सभी चारों व्यक्तियों के नाम पते मिले फर्जी। चार में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। 15 दिसंबर 2001 का मामला है ये। अपर पुलिस अधीक्षक की जांच में इसका खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने छह लोगों के नाम पर दर्ज किया था मुकदमा, जिसमें सदर विधायक मुख्तार अंसारी, तत्कालीन SO जयंत सिंह, तत्कालीन लेखपाल, शस्त्र लाइसेंस धारक भी शामिल है। बता दें कि प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या के निर्देश पर जिले में शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन का काम कराया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सौंपा गया है। इसी साल अक्टूबर के माह में एक शस्त्र सत्यापन का अभियान चलाया गया था। इसमें जनपद में जितने भी लाइसेंसी शस्त्र है उनको सत्यापन कराया गया था रेंडमली। उसमें चार शस्त्र ऐसे पाए गए कि जिस एड्रेस पे वो शस्त्र लिए गए थे उस एड्रेस पे उस नाम का व्यक्ति कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। लोगों से पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ वहां उस नाम का व्यक्ति कोई कभी नहीं रहा है। इसकी जांच एडिशनल SP मऊ को दी गई थी, पूरे प्रकरण की जांच। इसमें डिटेल में जांच करके रिपोर्ट दें। उनकी रिपोर्ट 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। उसके आधार पर थाना कोतवाली में, थाना दक्षिण टोला में एक मुकदमा दर्ज किया गया है 419-20, 467, 468, 471 IPC और साथ साथ में धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत। इसमें छह लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें तीन लोग हैं जिनके लाइसेंस बनवाए गए। एक हैं जो उस टाइम पे थाना प्रभारी दक्षिण टोला थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो एड्रेस तस्दीक करके और तब उसमें संस्तुति करते। क्षेत्रीय लेखपाल जिनको सत्यापित करके अपनी रिपोर्ट लगानी होती है, और उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी जिनके लेटर पैड पे इनको शस्त्र लाइसेंस जारी करने की संस्तुति की गई है। ये 2001 का वाकया है। 15 दिसंबर 2001 को इस लेटर पैड पे इनके द्वारा चार लोगों को शस्त्र देने की संस्तुति की गई है। उनमें से एक व्यक्ति की एनकाउंटर में मृत्यु हो चुकी है और तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो ट्रेस नहीं हो पा रहे। ट्रेस इन द सेंस की जो एड्रेस उनका यहाँ का दिया गया है, इस जनपद का दिया गया है, उस एड्रेस पे वो नहीं रहते हैं, ना ही उस एड्रेस पे वो कभी रहे हैं। पूरी जांच से प्रथम दृष्टया मामला प्रकाश में आया है कि ये 2001-2002 के दौरान गलत एड्रेस दिखाते हुए कुछ लोगों के द्वारा शस्त्र प्राप्त किए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जितने भी लोग इसमें जिनकी जिम्मेदारी पाई गई है, जिनकी संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें हम लोग आगे भी अभी ये चेक करेंगे कि कौन कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे और कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके इस तरह के शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हों। और इसका एक बहुत जल्द ही एक अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें पूरे जनपद के जितने शस्त्र निर्गत किए गए हैं उनको थानावार शेड्यूल बना के एक रोस्टर तैयार करके और डेली थानावार उनका सत्यापन कराया जाएगा तीन जगह से। एक जो इसमें DM साहब से बात हुई है, DM साहब के यहाँ से, थाना स्तर से, और फिजिकल रूप से जो भौतिक रूप से शस्त्र जिस व्यक्ति के पास है, इन तीनों को मिलान कराते हुए, सत्यापन कराते हुए, अगर और भी इस प्रकार के मामले प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।